नमस्कार दोस्तों, आज से कई सालों पहले हिंदुस्तान में राजाओं का दौर हुआ करता था। यानी कि हिंदुस्तान में हर अलग अलग जगह पर राजाओं के राजघराने हुआ करते थे, लेकिन आज के इस समय में काफी सारे राजघराने खत्म हो चुके हैं और कई सारे राजघराने मौजूद हैं, जिनमें से एक है ग्वालियर का सिंधिया परिवार का राजघराना। और इसी राजघराने से आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसका मध्य प्रदेश में सिक्का चलता है, जिनके एक इशारे पर सरकार बनती भी है और सरकार बिखर भी जाती है। उन्हें आज भी लोग सम्मान के साथ और महाराज के नाम से बुलाती है। ऐसा बताया जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास इतनी संपत्ति है कि अगर अंबानी और अडानी की संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो शायद कम पड़ जाएगी। तो चलिए जानते हैं मोदी सरकार में बड़ी हैसियत रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास आखिरकार लीगल कितनी संपत्ति है। अब दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि सिंधिया बीजेपी में आने से पहले वो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के युवा और जांबाज नेता थे। सिंधिया का रुतबा अपना अलग ही लेवल का था, लोग और पार्टी में उनकी बहुत ही इज्जत थी। देखा जाए तो साल 2002, 2004, 2009 और साल 2014 में वो भारी बहुमत से जीतते आ रहे थे, लेकिन साल 2019 में उनको करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इनके राजनीतिक भविष्य को लेकर बातें होने लगी और पार्टी की तरफ से उनके साथ मतभेद होने लगे। तो सिंधिया ने अपने एक ही इशारे से मध्य प्रदेश की सरकार गिरवा दी और अपने लोगों के साथ बीजेपी की ओर चले गए, जिसके बाद बीजेपी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। फिलहाल ये थी उनके राजकारण की कहानी, लेकिन अभी जानते हैं इनके संपत्ति के बारे में। दोस्तों, इनकी परफेक्ट संपत्ति का अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि इनके बाप और दादाओं से जो भी संपत्ति सिंधिया को मिली है उसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। इनकी कुछ संपत्ति का मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसकी अनुमानित कीमत 40,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मार्च 2020 कोर्ट के मामले में पता चला कि उनकी सालाना इनकम 1,57,00,000 रुपए है, जबकि उनकी पर्सनल इनकम यानी कि पर्सनल संपत्ति 3,68,00,000 रुपए की है और उनकी पैतृक संपत्ति 45,24,00,000 रुपए है और जो उनको विरासत में संपत्ति मिली है उसकी कीमत 3 अरब रुपए बताई गई है। सिंधिया के पास फार्मिंग की जमीन 1,81,00,000 रुपए की है। राजनीति में आने से पहले सिंधिया ने अलग अलग बैंक में 3 करोड़ से ज्यादा रुपए डिपॉजिट रखे हुए हैं और उनकी बीवी प्रियदर्शनी राजे के खाते में भी कहीं सारे रुपए रखे गए हैं, ऐसा बताया गया है। सिंधिया के पास 12,68,00,000 रुपए का सोना मौजूद है और 16,34,00,000 की चांदी मौजूद है। ये सोना और चांदी उन्हें विरासत में मिला है, ऐसा बताया गया है। सिंधिया की जीवन शैली सपनों जैसी है। वो 400 कमरों वाले शाही महल में रहते हैं। साल 1874 में तैयार किया गया इस राजमहल का नाम जय विलास पैलेस है। महल के 40 कमरों में म्यूजियम है और महल के सीलिंग में सोना लगा हुआ है और साथ ही में 4,000 किलो चांदी का झूमर भी लगा हुआ है। इस राजमहल की कीमत $200 मिलियन बताई जा रही है। जय विलास पैलेस ग्वालियर में टोटल 40 एकड़ में फैला हुआ है। जय विलास पैलेस पूरे देश भर में मशहूर है और इस पैलेस की दीवारों को सोने से पेंट किया गया है और इस महल में डाइनिंग पर भोजन परोसने के लिए चांदी की ट्रेन चलती है। सिंधिया के पास इसके अलावा कई सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, जैसे कि मुंबई में समुद्र महल, रानी महल, हीरावन कोठी, शांति निकेतन, छोटी बसरंती, विजय भवन और पिकनिक स्पॉट घंटाघर, रोशनी घर और तबेला जैसी कई सारी संपत्ति मौजूद है। मुंबई के समुद्र महल की कीमत 31 करोड़ रुपए है और रानी महल की कीमत 26 करोड़ रुपए बताई गई है। दोस्तों, इस कीमत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी बाकी की प्रॉपर्टी की यानी संपत्ति की कीमत क्या होगी। इसके अलावा सिंधिया के पास करोड़ों की गाड़ियां भी मौजूद हैं। अब दोस्तों, हम उस संपत्ति के बारे में बात करते हैं जिसको लेकर परिवार के सदस्यों ने कोर्ट में चुनौती दी है। असल में सिंधिया परिवार के संपत्ति के उत्तराधिकारी को लेकर ये लड़ाई दशकों से चली आ रही है और ये विवाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया से चल रही है। मामला दो वसीयतों में अटका है, जिन्हें लेकर कहा जाता है कि राजमाता ने अपनी संपत्ति से बेटे माधवराव सिंधिया और पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया को बेदखल कर दिया था। उन्होंने अपनी दो तिहाई संपत्ति बेटी उषा राजे
वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे के नाम कर दी थी और बाकी की संपत्ति एक ट्रस्ट के जरिए डोनेट कर दी थी। लेकिन इस संपत्ति को लेकर माधवराव सिंधिया आज दिन तक लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी ये काम उनके बेटे कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये परिवार का विवाद कैसे और कहां से चल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की छोटी बुआ यशोधरा राजे ने दावा ठोका है, क्योंकि सबसे बड़ी बुआ उषा राजे की शादी नेपाल के राजघराने में की गई है, तो वो बस वहीं जाकर बस गई है और उनकी जीवन शैली बेहद ही खूबसूरत है। और उसके बाद वसुंधरा राजे, उनकी शादी ढोलापुर राजघराने में हुई है और उनके पास भी काफी सारी संपत्ति है। लेकिन छोटी बुआ यशोधरा राजे, जिनका मामला काफी अलग है, क्योंकि उनकी शादी लंदन में एक डॉक्टर से करी गई थी और उनका तलाक हो गया और तलाक के बाद वो वापिस मध्य प्रदेश आ गई थी और राजनीति ज्वाइन कर लेती है, तो उनके पास कुछ खास संपत्ति मौजूद नहीं है और इसी कारण से वो इस संपत्ति को लेकर यानी कि गंभीर हैं। दोस्तों गंभीर क्यों ना हो, क्योंकि संपत्ति 40,000 करोड़ रुपए बताई गई है। तो दोस्तों ये कहानी थी देश के सबसे धनवान राजनेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की। तो आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।